हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैच इंडिया आइडल। दोस्तों, अक्षय कुमार की तकरीबन 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है, डिजास्टर हो चुकी है। अगर देखा जाए तो लक्ष्मी से लेके सरफिरा तक कुछ 12-13 फिल्में रिलीज हुई, उसमें 12 फिल्में चली नहीं, सिर्फ एक सूर्यवंशी सुपरहिट हुई थी। 50% ऑक्यूपेंसी में वो फिल्म लगी थी, तकरीबन 26 करोड़ की ओपनिंग ली थी। बड़ा ह्यूज ह्यूज थिंग, 26 करोड़ आज के 100% ऑक्यूपेंसी में किसी को नहीं लगती। उनको उस वक्त 26 करोड़ की ओपनिंग 50% ऑक्यूपेंसी में लगी थी, तो कितनी बड़ी बात है। तो ऑलमोस्ट 50 वही हो गया। तो अभी लोग बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार का करियर खत्म हो गया, इज फिनिश्ड, ओवर एंड आउट। लेकिन कुछ लोग कहना इज गोइंग टू मेक अ ग्रैंड कम बैक। मेरे हिसाब से ग्रैंड कम बैक करेंगे तो देर आर ओनली 3 डायरेक्टर्स, प्रियदर्शन, साजिद खान एंड रोहित शेट्टी। ये 3 डायरेक्टर ही है जो अक्षय कुमार को वापस ला सकते हैं। लेकिन मैडॉक फिल्म्स भी की 2 फिल्में जो हो सकता है मैडॉक फिल्म जी उनको दोबारा उनका स्टारडम वापस ला दे, बिकॉज मैडॉक फिल्म बहुत अलग टाइप की फिल्में बनाती है। उनकी फिल्म कुछ हद तक चलती भी है, काफ़ी फिल्में चलती ही है, और छोटी छोटी फिल्में भी चली, जैसे मुंजिया आई थिंक उन्होंने बनाई थी, वो सुपर हिट हुई थी विदाउट एनी कास्ट। तो दिनेश विजयन जी, अमर कौशिक जो 3-2 के डायरेक्टर है, और ज्योति देशपांडे, ये 3 प्रोड्यूसर्स अक्षय कुमार को जो 3-2 में रोल दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है, भले स्पेशल पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वही टीम ये बना रही है स्काई फोर्स, जो 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। तो क्या ये 2 फिल्म बैक टू बैक आ रही है अक्षय कुमार की विद द सेम टीम, सेम प्रोड्यूसर्स, मैडॉक फिल्म्स? तो क्या ये मैडॉक फिल्म्स स्टारडम उसका वापस लाएगी अक्षय कुमार का? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से हो सकता है फिर से उनकी सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है दोस्तों। मैडॉक फिल्म्स अच्छी फिल्में बनाते हैं और लीक से हटके फिल्म बनाते हैं, तो क्या हो सकता है? एनीथिंग कैन हैपन, इक्वेशन चेंजेस एवरी फ्राइडे। भले अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में डिजास्टर हो गई, लेकिन यहाँ से फिर से सिलसिला शुरू हो जाए सुपरहिट फिल्मों का, कि उन्होंने भी एक ज़माने में 4 फिल्में सुपरहिट दी हैं, एक साल में 4 सुपरहिट देने, वो वही है जितने ने आज के जितने जाए एक्टर्स है उसमें से, वो सिर्फ वही है। तो क्या वो दोबारा वो सक्सेस स्टोरी रिपीट हो सकती है? स्काई फोर्स के डायरेक्टर आई थिंक 2 डायरेक्टर है, आई थिंक अभिषेक कपूर है और एक संदीप नाम के कोई डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर, लेकिन प्रोड्यूसर्स वही है मैडॉक फिल्म जाने के, दिनेश विजयन, ज्योति देशपांडे एंड अमर कौशिक। अमर कौशिक 3-2 के भी डायरेक्टर हैं। तो क्या ये 2 फिल्म अक्षय कुमार का जो फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला है वो खत्म करेगा? मेरे हिसाब से खत्म डेफिनेटली करेगा दोस्तों। लेट्स सी माई प्रेडिक्शन कितना राइट बीटा मुझे लगता है इट, मैडॉक फिल्म डेफिनेटली अक्षय कुमार का जो ये फ्लॉप फिल्म का सिलसिला चल रहा है इट डेफिनेटली तोड़ेगा, अक्षय कुमार का हिट फिल्मों का सिलसिला डेफिनेटली शुरू होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं वो प्रियदर्शन, साजिद खान और रोहित शेट्टी कब उनकी फिल्में करते हैं, जब करेंगे तब करेंगे। वो लोग तो डेफिनेटली उनको ह्यूज कमर्शियल सक्सेस देगी ये 3 डायरेक्टर, लेकिन मैडॉक फिल्म मेरे ख्याल से उनकी फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला जरूर तोड़ेगी। तो वेट एंड वॉच क्या होता है 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को, जब 3-2 और स्काई फोर्स दोनों फिल्में रिलीज होती है, क्या अक्षय कुमार का स्टारडम वापस आता है? मुझे लगेगा, मुझे लग रहा आएगा। तो देखते हैं मेरा प्रेडिक्शन कितना सही निकलता है। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल बाय द मैटर्स, बाय सेइंग गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।